हेलो जी नमस्कार सलाम सताल विश यू ऑल अ वेरी वॉम वेलकम टू दिस वंडरफुल चैनल आकाश बाईजूज नीट यूट्यूब चैनल मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी एक और बेहतरीन सेशन लेकर के ह्यूमन फिजियोलॉजी पर क्लास इलेवेंथ के सिलेबस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसमें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एनसीआरटी पे आधारित डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। पिछला सेशन अटेंड किया था आपने दैट मींस इस पे हम एक सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंडर एलिमिनेशन एक यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम इन सभी चैप्टर्स पर चार चैप्टर्स के क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस मैं पिछले सेशन में आप लोगों को करवा चुका हूँ जो लोग किसी कारणवश वो सेशन अटेंड नहीं कर पाए हैं मेरी सजेशन है उनसे कि चैनल का प्लेलिस्ट एक्सप्लोर कीजिए प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोस एक क्रमबद्ध तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाएंगे जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना जरूरी है चैनल का कम्युनिटी पोस्ट भी आप रेगुलरली जरूर देखते रहा करो सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है मुस्कान आस्था वी हैव हुसैन सुधीर ग्रेट माइकल शर्मा जी आप भी आ गए जी वेलकम अच्छा सुनो मेरी बात मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं डायग्राम होगा एक दिया हुआ डायग्राम की लेबलिंग को हमने हटा दिया है उसकी जगह वन टू थ्री फोर या ए बी सी डी लिखा होगा उसी लेबलिंग को आपको आइडेंटिफाई करना होगा और उसके आधार पे क्वेश्चन होंगे जल्दबाजी मत कीजिएगा टाइम लग सकता है थोड़े थोड़े लंबे क्वेश्चन हैं कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन आपके सही हों आपका कॉन्फिडेंस जो है वो दुगना हो जाएगा ओके okay? पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है स्क्रीन पर एंड आई एम श्योर यू ऑल आर एक्साइटेड और मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट सारे ऑप्शंस ध्यान से पढ़ लीजिएगा जल्दबाजी नहीं करनी है ठीक है जी शुभम प्रेरित मल्होत्रा सरफराज शिवा सब बच्चे तैयार हैं। चलिए जी बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ द डायग्राम विच इज गिवन हियर इज अ क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ मसल मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला चैप्टर जो है जिसमें आपने मसल का स्ट्रक्चर पढ़ाया है ये डायग्राम एनसीआरटी में दिया हुआ लेबलिंग देखिए जगह जगह पे हमने लेबलिंग हटा दी है ये कोई चीज़ है जिसको मैंने वन लेबल कर दी है क्या ये मसल फाइबर है या ये फेसिकल है फिर ये कोई चीज़ है रेड कलर से जो फोर मार्क्ड है अब ये ब्लड कैपिलरी है लाल रंग की या क्या है थ्री क्या होगा ये आपको ध्यान देना है टू क्या हो सकता है ये आपको ध्यान देना है ऑप्शन आपके सामने भाई मसल फाइबर क्या है फेसिकल क्या है सार्कोलेमा क्या है ब्लड कैपिलरी कौन हो सकता है रोशनी आस्था मुस्कान तनु श्वेता स्वमित्रा, ज्यादातर बच्चे सी आंसर दे रहे चलिए, देखते हैं कि क्या सी इसका सही जवाब हो सकता है या नहीं चलो एनसीआर अपने सामने रख सकते हो पहले मत चीटिंग करना पहले क्वेश्चन देखना आंसर करके बाद में अच्छा जी चलिए देखते हैं इधर क्या है एनसीआर के डायग्राम की लेबलिंग अब आपको दिखा रहा हूँ बच्चे बंडल ऑफ मसल फाइबर्स इज कॉल्ड फेसिकल आप जानते हैं एक मसल के अंदर ढेरों मसल फाइबर्स हैं मसल फाइबर की अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सार्कोलेमा होती है ये एक मसल फाइबर ये दूसरा मसल फाइबर ढेर सारे मसल फाइबर्स का जब बंडल बन जाता है दैट इज कॉल्ड मसल फैसिक्यूल मसल फेसिक्यूल सबसे बाहर जो है ये फेशिया है जो पूरे मसल को कवर कर रही है लाल रंग वाली ब्लड कैपिलरीज हैं और सार्कोलेमा होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ़ द मसल फाइबर और एक मसल फाइबर जो है दैट इज अ सिंगल मसल सेल ठीक है जी माइकल क्लियर है सो so, ज्यादातर बच्चों ने सी आंसर दिया था आपका जवाब एकदम सही है मैं आपसे बहुत खुश हूं क्लास इलेवेंथ की एनसीआरटी पेज नंबर थ्री जीरो फोर में से ये क्वेश्चन लिया गया था पहला क्वेश्चन आप सबका सही हुआ आप सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा सा बड़ा होगा आपका तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन डार्क बैंड लाइट बैंड ए बैंड आई बैंड है ना फिलामेंट स्लाइड कैसे करती हैं उसी पे आधारित है आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ सार्कोमियर कॉन्ट्रेक्टाइलिट ऑफ असल फाइबर आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ सार्कोमियर इन दाम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ये कौन सी स्टेट दिखाई गई है अब इसमें वन टू थ्री कॉन्ट्रैक्टिंग रिलैक्सिंग ये ये है जी वन स्टेट ये टू स्टेट ये थ्री स्टेट पूरा पूरा टाइम दे रहा हूं आपको जल्दबाजी नहीं कर रहे हम चीजों को समझना है डार्क बैंड को ए बैंड भी कहते हैं एनआईसोट्रॉपिक लाइट बैंड को आई बैंड कहते हैं शिवा मोहन रॉय अंबुज मुस्कान आस्था पटेल जया पटेल ज्यादातर बच्चे इवन रोशनी ने भी आंसर बी दिया है सो so बी मतलब है है कि जो uh, है, वो मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड है जो टू वाला है वो कॉन्ट्रैक्टिंग है और जो थ्री वाला है वो रिलैक्सड है लेट सी आपका जवाब सही है या नहीं है सुनो मेरी बात आप सब लोग ध्यान से जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है मसल कॉन्ट्रैक्शन की वो ये कहती है कि भाई जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स हैं उनमें स्लाइडिंग हो जाता है मसल कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पे मायोसिन के क्रॉस ब्रिज एक्टिन से बाइंड करते हैं और एक्टिन एच जोन की तरफ बढ़ता है तो ए जो एक जेड लाइन है जी लाइन और जो दूसरी जी लाइन है वो दोनों पास पास आ जाती हैं है ना जी लाइन जो है वो पास पास आ जाती हैं, सार्कोमियर मतलब शॉर्टन कर जाते हैं मसल कॉन्ट्रेक्शन में द स्लाइडिंग फिलामेंट कॉन्ट्रैक्शन अकर्स इन द सार्कोमियर रीजन रिमेंबर सार्कोमियर आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर सार्कोमियर इज द एरिया बिटवीन टू जेड लाइन्स जेड लाइन को लाइन भी कहते हैं डॉबर्स डॉट भी कहते हैं क्राउसेज मेमब्रेन भी कहते हैं आप लोग मेरे मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लेक्चर्स देख सकते हैं मसल कॉन्ट्रेक्शन के यूट्यूब पे ब्यूटिफुल डायग्राम्स एनिमेशन आपको मिल जाएंगी तो स्वाति बेटा मेजोरिटी बच्चों ने ये क्वेश्चन भी जो है वो सही किया है थैंक यू माइकल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री ध्यान से देखिए मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाले चैप्टर में से ही है मायोसिन का क्रॉस ब्रिज एक्टिन के साथ बाइंड कर रहा है एटीपी का क्या रोल होता है मायोसिन के हेड रीजन में मायोसिन ए टी पी होता है जो ए टी पी को हाइड्रोलाइज करके ए डी पी बना देता है मायोसिन ए टी पी को जो है मैग्नीशियम आइंस चाहिए होते हैं सो so ये डायग्राम है और क्वेश्चन है आइडेंटिफाइड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स भाई इतनी सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने को कह दी यहाँ से शुरू करेंगे ये वन ये सेकेंड ये उसके बाद ये थ्री उसके बाद ये वाली चीज फोर ये वाली चीज फाइव ये वाली चीज सिक्स सो so, आंसर दीजिए जवाहरलाल स्वाति अंबुज शिवा आस्था टाइम दे रहा हूं मैं ध्यान से देख लो कोई जल्दी नहीं है इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट समझ आना चाहिए ना हमें जल्दबाजी क्यों करनी एटीपी कौन है एडीपी कौन है मायोसिन एक्टिन कौन है पहले तो ये पता चलिए मायोसिन एम से मोटा मोटी वाली फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट है पतली वाली फिलामेंट जो होती है वो एक्टिन फिलामेंट होती है ठीक है तो पांच नंबर जो है वो आपका एक्टिन होना चाहिए और जो पांच एक्टिन होना चाहिए ठीक है जी जो दूसरा वाला है वो मायोसिन होना चाहिए सी दे रहे हैं मुझे बच्चे आंसर शर्मीन तनवीर का भी कहना है सी आंसर चलो देखते हैं एक बार एन ने से कैसे कैसे लेबल करा हुआ है ये देखो अच्छा कई बार हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि ऐसे ऐसे डायग्राम्स में से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं बट एग्जामिनर का कुछ नहीं पता जी कहां से फ्रेम कर दे तो मैं आपको बता रहा हूं ये रहा एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है ओके फिलामेंट ढूंढे फिलामेंट्स, ये रही स्लाइडिंग और रोटेशन ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज ये वाली चीज है एटीपी ये क्रॉस ब्रिज है एक्चुअल में ये वाली चीज है एडीपी क्योंकि यहां पे फॉस्फेट अलग हो गया हुआ है ठीक है जी चलिए आगे बढ़े सो द करेक्ट आंसर इज सी सी ऑप्शन क्या कहता है जो वन है ये वाली चीज स्लाइडिंग या रोटेशन है और उसके बाद टू जो है ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज है थ्री जो है वो एटीपी है फोर जो है वो पी है और फाइव जो है वो फिलामेंट है this is actin filament, and six में एन सी आर टी के पेज नंबर थ्री जीरो सेवन का क्वेश्चन सो so, इतनी डिटेल में एनसीआर टी भी पढ़नी पड़ सकती है एक भी क्वेश्चन अगर ऐसा भी आ जाए तो आप सोच सकते हैं कि भाई एक सिंगल क्वेश्चन में अगर गलती हो गई तो स्कोर कितना पीछे हो सकता है और आपका रैंक कितना पीछे चला जाएगा सो so, एक सिंगल क्वेश्चन को भी लाइटली नहीं लेना है एंड लोकोमोशन में मसल्स के अलावा आप पढ़ते हैं बोन्स के बारे में जूनियर क्लासेस से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई 206 हड्डियां होती हैं एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन को मिलाकर के मानव शरीर में दो हड्डियां हैं

चलो गुड तो फिर ये सवाल करते हैं ओके। of... okay. जुड़ा है अपर रीजन ऑफ़ ऑफ़ कॉलम के साथ विद हेल्प व्हाट? ऑप्शंस जो आगे दिखाया हुआ है वो तो हायड बोन है है ना ओके okay जी उसके अलावा स्कल में कौन कौन सी बोन्स होती हैं स्कल में क्रेनियम आ जाता है फ्रंटल तो, है टेम्पोरल है पेराइटल है ऑस्पिटल है ऑस्पिटल बोन में पीछे ऑस्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं जिसके ऊपर हमारा स्कल जो है टिका हुआ है दो ऑस्पिटल कॉन्डाइल्स हैं इसलिए हम ह्यूमन स्कल को डाइकोंडाइलिक कहते हैं मुझे ज्यादातर बच्चे आंसर थ्री दे रहे हैं चलो लेट्स सी तो ये जो स्कल वाला डायग्राम है क्या भाई इसकी लेबलिंग को भी ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा चलो हम एक बार इसकी लेबलिंग करते हैं पेराइटल बोन्स खोपड़ी की जो हड्डी है पेराइटल बोन आर द लार्जेस्ट वन फ्रंटल बोन जो होती है माथे वाली बोन होती है ये फ्रंटल इज कॉमन टू फेस एंड इट इज कॉमन टू क्रेनियम राइट फेस की भी बहुत सारी बोन्स आपने पढ़ी होंगी कान के पास वाली हड्डियां जो होती हैं टेम्पोरल बोन है और ये ऑक्सीपिटल बोन जो है ये पीछे वाली होती है इट फॉर्म्स बैक ऑफ द स्कल ऑक्सीपिटल बोन के बीच में एक बड़ी सी ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड फोरामैन मैगनम थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड कम्युनिकेट्स विद योर ब्रेन ऑक्सीपिटल जो बोन है उसके दोनों तरफ मतलब फोरामैन मैगनम के दोनों तरफ ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स दो होते हैं ह्यूमंस में तो हम डाई स्कल कह देते हैं इसलिए स्कल रीजन ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिबल कॉलम विद द हेल्प ऑफ टू दैट्स स्कल इज विद्पऑफ सो क्या हो जाएगा जी आंसर थ्री राइट एंजॉइंग द क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं एक डायग्राम को देख करके कितनी सारी बातें हमें पता चल जाती हैं चलो क्रेनियम में कितनी हड्डियां हैं एट बोन्स है फ्रंटल पेराइटल दो हैं टेम्पोरल दो हैं ऑसिपिटल और इसके अलावा स्फिनॉइड एंड इथमॉइड स्फिनॉइड बोन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बोन ऑफ द क्रेनियम इट फॉर्म्स द बेस ऑफ द ब्रेन इसके ऊपर आपका दिमाग रखा हुआ है स्फिनॉयड बोन बटरफ्लाई शेप्ड बोन होती है इसमें सेला टर्सिका होता है जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती हैं चलिए जी अगला सवाल रीढ़ की हड्डी वाला डायग्राम एन का ध्यान से देखेंगे आइडेंटिफाई द वर्टिब्रा एंड टोटल नंबर हमारी जो रीढ़ की हड्डी है भाई उसमें कितने वर्टिब्रा प्रेजेंट है और कौन कौन से गर्दन वाले रीजन को आपको पता है कि भाई क्या बोलते हैं नेक रीजन को सर्वाइकल रीजन बोलते, है. सर्वाइकल रीजन बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा कितने हैं अब आपको पता होने चाहिए सात सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं उसके बाद आ जाता है चेस्ट रीजन दैट इज कॉल्ड एज अ थोरेसिक रीजन सर्वाइकल थोरेस्क लंबर से करल कोकाइजियल टेल बोन जो बना देते हैं कोकाइजियल वर्टिब्रे ठीक है जी सात बारह पांच एक, एक एक क्योंकि सेक्रल वर्टिब्रे जो है वो फ्यूज हो जाते हैं और एक बोन सेक्रम बना देते हैं कोकाइजियल वर्टिब्रे फ्यूज हो जाते हैं और वो भी एक बोन बना देते हैं सो ऑल मैमल्स दे हैव सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रे कुछ कुछ एक्सेप्शन होती हैं सी काउज हो गई जैसे स्लॉथ हो गए ये एक्सेप्शन हैं बट इवन जिराफ जिसकी गर्दन इतनी लंबी होती है उसमें भी सात सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा जिराफ में प्रेजेंट है तो जिराफ की गर्दन इतनी लंबी क्यों है बिकॉज एक एक वर्टिब्रा का साइज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है दैट इज़ द रीज़न दैट जिराफ की गर्दन जो है वो इतनी लंबी है सो so, इंसान के केस में ह्यूमंस के केस में वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स हैं विच आर सीरियली अरेंज्ड और उनको हम वर्टिब्रा कह देते हैं हिंदी में रीढ़ की हड्डी के मनके कह देते हैं हम सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रे ट्वेल्व थोरेसिक वर्टिब्रे और जो थोरेसिक रिब्स हैं वो भी तो ट्वेल्व ही होती हैं ना लंबर वर्टिब्रे सेक्रल वर्टिब्रे एक है राइट right, चार पांच सेक्रल वर्टिब्रा फ्यूज होके एक सेक्रम बना देते हैं तीन चार कोकाइजियल वर्टिब्रे फ्यूज होकर के एक कोकाइजियल वर्टिब्रा बना देते हैं टेल बोन जिसे हम कह देते हैं ठीक है जी राइट right, साहिल चलो आगे बढ़े सो so, ये एन के पेज नंबर 310 पर था डायग्राम डी डी इज द करेक्ट ऑप्शन मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन राम मोहन रिस्ट की बोन्स बता रहे हाँ, बिल्कुल जी मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाले चैप्टर में ऑलरेडी हम ये चीजें पढ़ा चुके हैं आपको सारी कि कौन कौन सी हड्डियां यहां पे होती हैं हैमेट ल्यूनेट कैपिटेटॉइड पिस्सी फॉर्म ट्रेपीजियम ट्रपिजॉय ट्राइक्वेट्रम राइट ठीक है उसके बाद ये मेटाकार्पल्स होती हैं यहां पे हथेली में उंगलियों में जो हड्डी दे आर कॉल्ड फेलेंजेस ग्रेट चलिए जी बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स गौर से देखिए डायग्राम क्या है

फ्लोटिंग रिब्स कौन सी हैं डैश आर कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिएगा वर्टिब्रोकॉन्ड्रल द स्टर्नम बट दे ज्वाइन द सेवेंथ रिब विद द हेल्प ऑफ डैश कार्टिलेज कौन सा है जो स्टर्नम के साथ रिब्स को जोड़ रहा है हेलाइन कार्टिलेज है ठीक है जी अब ट्रू रिब्स फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स होती हैं एक से सात फिर आठ नौ दस और फिर ग्यारह बारह बच्चे कह रहे हैं बी कि वर्टिब्रोकॉन्ड्रल होती हैं फ्लोटिंग रिब्स और वो फाइब्रस कार्टिलेट से जुड़ी हैं गड़बड़ तो नहीं कर रहे फ्लोटिंग रिब्स हेलाइन कार्टिलेट से हैं या फाइब्रोकारलेट से चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जी ह्यूम के केस में देर आर ट्वेल्व पेयर्स ऑफ रिब्स ट्रू रिब्स फॉल्स रिब्स फ्लोटिंग रिब्स फॉल्स रिब्स का दूसरा नाम है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स तो क्या ट्रू रिब्स का भी कोई दूसरा नाम है बिल्कुल है दीज आर कॉल्ड टिब्रो स्टर्नल रिब्स स्टर्नल नाम से अंदाजा लगा लो कि पीछे की तरफ वो थोड़े सिक वर्टिब्रा के साथ जुड़ी हैं और आगे की तरफ वो जो है डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हैं तो स्टर्नल रिब्स ज यू हैव टू रिमें दिस कॉस्टल कार्टिलेज भी कह देते हैं घी वाला जो कार्टिलेज है ना यहाँ पे जो रिब्स को जोड़ रहा है स्टर्नम के साथ

वो पीछे से तो जुड़ी है थोरैसिक वर्टेब्रा से आगे से नहीं जुड़ी हुई फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं दे प्रोटेक्ट द किडनीज जापानीज पीपल हैव एक्स्ट्रा पेयर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स और हम जो है उन्हें क्या बोलते हैं गोरिल्ला रिब्स डॉक्टर विमलेंदु विमल क्या कह रहे हैं आप अपना साइड्यूल बता दीजिए प्लीज व्हाट इज साइड्यूल एस आई डी यू एल ई अच्छा ओके okay. शेड्यूल आप कह रहे हैं डॉक्टर विमलेंदु मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है मुझे एक बार शेड्यूल या स्केड्यूल जिसे बोलते हैं कृपया है उसके सही स्पेलिंग लिख करके के भेजिए शिवा प्लीज़ उनकी मदद कीजिए साइड्यूले लिख रहे हैं वो एस आई डी यू एल ई -E, साइड्यूलें कोई शब्द नहीं होता प्लीज़ मेरे दिल दुखता है जब मैं फ्यूचर डॉक्टर्स को इतनी ख़राब अंग्रेज़ी लिखते हुए देखता हूँ बड़ा दुख होता है ठीक है जी सुनाली नहीं उसने इंटेंशनली नहीं करा वाकई उसको नहीं आते होंगे नहीं मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने जानबूझ के नहीं करा उसे स्पेलिंग नहीं पता होंगे शेड्यूल देखिए राइट, राइट 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 जीवन सब बच्चों ने आपकी मदद करी है <laughs> चलो कोई बात नहीं सीखना चाहिए इंसान को ठीक है जी क्लियर है वेमलेंदू तो आंसर इसका क्लियर हो गया कि वो फॉल्स रिब्स और हेलाइन कार्टिलेज से जुड़ी हुई हैं जिन बच्चों ने अभी तक लाइक का बटन प्रेस नहीं करा है लाइक का बटन दबाइए मेरी स्क्रीन पे लगातार नजर बनी रहती है मूवमेंट एंड लोकोमोशन में स्केलेटल सिस्टम में से अगला डायग्राम डैश बोन इज कॉमनली नोन एज कॉलर बोन ये कॉलर्स है ना शर्ट के तो कौन सी हड्डी लगभग इसके पास आ रही है ब्यूटी बोन तो नहीं कह देते कहीं इसको कॉलर बोन कौन है भैया वन टू थ्री फोर तो सबसे पहले तो हड्डियों की पहचान होनी चाहिए कि भाई ये बोन्स जिनको वन टू थ्री फोर कह दिया गया है ये एक्चुअल में है कौन सी ओके जी क्लैविकल एक स्मार्ट बच्चा जानबूझ के स्कैपुला लिख करके भेज रहे हैं आप आते हर लेक्चर में हो जिस मंशा के साथ आते हो वो पूरी तो नहीं होगी अब कभी भी क्लैविकल इज द करेक्ट आंसर राइट जी ठीक है जी पेक्टोरल गर्डल की हड्डियां हड्डियाँ ये पेक्टोरल गर्डल को हम शोल्डर गर्डल भी कह देते हैं इट इज अ सेट ऑफ बोन्स फाउंड इन देंडिकुलर स्केलेटन हमारी बाजुओं को जो है ये जोड़ रहा है अंबुज मैंने सही कहा ना मेरा जवाब सही था ना है ना सबको पता है वो क्लेविकल है लेकिन उस एक शख्स ने जानबूझ के स्कैपुला लिखा स्मार्टनेस जो उसके पीछे थी वो फिर वहीं धरी की धरी रह गई उनकी ओके कॉलर बोन एंड शोल्डर ब्लेड इज स्कैपुला क्लियर है तो याद रहेगी जी क्लेविकल राइट right, ये क्लेविकल दो क्लैविकल ब्यूटी बोन भी कह देते हैं इसको और क्लेविकल जो है थोड़ा मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन है हाँ जी अंबुज आनंद कितनी कोशिश भी कर लीजिए आप जिस दिन आप लोगों की स्मार्टनेस हमसे ज़्यादा हो जाएगी तो पासा पलट जाएगा फिर आप इधर होंगे कैमरा के और हम उधर होंगे आपको देखा करेंगे लेकिन उसके लिए अभी दिल्ली दूर है कहावत का मतलब पता ही कि अभी दिल्ली दूर है Uh, सफा शाह ने कहा सर इसे ब्यूटी बोन क्यों कहते हैं फीमेल्स के केस में पर्टिकुलर हम कहते हैं ना जो बहुत एंड ट्रिम है और अगर ये वाली हड्डी जो है बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही है तो उससे खूबसूरती एनहेंस होती है इसलिए uh, तनवीर बेटा हम इसे ब्यूटी बोन कह देते हैं चलिए जी आठवां सवाल स्क्रीन पे अगेन हड्डियों में से ही आइडेंटिफाई पार्ट्स विच आर लेबल्ड एज वन टू थ्री एंड फोर इन द गिवन फिगर ओके okay, हड्डियों को पहचानिए जल्दी से डॉक्टर कमलाकर जी भी आ चुके हैं वेलकम डॉक्टर कमलाकर हमारी बहुत क्या कहें दुआएं हैं कि भाई आपके नाम के आगे वाकई ही डॉक्टर लग जाए स्वाति सौमित्रा कार्तिक चंद्र शर्मीन तनवीर सुनील मेहरा पहचानो जल्दी से पहचानिए ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटी ऑल माई फ्यूचर डॉक्टर्स नंबर टू पे कौन सी हड्डी है नंबर थ्री पे कौन सी है नंबर फोर पे कौन सी है नंबर फीमे कौन है टिबिया एंड फिब्यूला कौन है और आपकी जानी पहचानी पटेला कौन है क्या यहाँ पे ह्यूमरस हो सकती है नहीं यहाँ पे ह्यूमरस नहीं हो सकती अब आपको सी और डी में गड़बड़ हो रहा होगा टिबिया किधर है और फिब्यूला किधर है हाँ जी कुछ कह रहे हैं डी कुछ कह रहे हैं सी लेट्स सी डॉक्टर विमलेंदु विमलेंदु तुमने मुझे शेड्यूल के सही स्पेलिंग नहीं लिख के भेजे तुमने शेड्यूल था तो आई वॉन्ट यू टू राइट द करेक्ट स्पेलिंग तब तक मैं सबको एक्सप्लेन कर दूं देखो अब मैंने लेबलिंग यहाँ पे आपको दिखा दी इलियम ईशियम प्यूबिस तो हिप गर्डल की बोन्स होती हैं इलियम ईशियम प्यूबिस ईलियम ध्यान रखिएगा ये इंटेस्टाइन वाला ईलियम नहीं है उसके स्पेलिंग अलग होते हैं ये है फ़ीमर फीमर बड़ी ही आ, बड़ी सी हड्डी है ये हमारी ये पटेला है जिसको नी कैप कहते हैं अब ध्यान दे दो टिबिया ये है और फिब्यूला ये टिबिया ये बड़ी है टिबिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बोन शिन बोन फिर उसके बाद आपके पैर में टारसल्स हैं एय टखने की हड्डियाँ एंकल की हड्डियाँ टारसल्स फिर पाव के जो तलवे हैं मेटा टारसल्स पैरों की उंगलियां जो होती हैं वो फैलेंजेस होती है ठीक है पहचान ली बोन आपने? So, D is the correct answer. Bones को identify आपने को करा? One, two, three, four. Humerus तो यहां पे है ही नहीं भाई ये फीमर होती है थाई बोन जिसे कहते हैं घुटने वाली जो कैप है नी कैप कॉल्ड पटेला उसके बाद यू अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बोन श्वेता कह रही है पटेला साउंड लाइक पंजाबी लैंग्वेज ओके थैंक यू जी मुझे पंजाबी आती है वैसे बहुत अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में से एनसीईआरटी का ये न्यूरॉन का डायग्राम न्यूरॉन्स और द नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट सेल्स इन द बॉडी मुस्कान थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग द स्लाइड्स गैप्स इन माइलिन शीथ आर कॉल्ड सुनील ਮਹਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲੀਏ ਸੁਨੀਲ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਮੇ ਸ਼ਵੇਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਿਊਰੋਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਰੋਨ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਇਤਨੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਓਕੇ सो so, मैं जरा हाईलाइट कर दू जी यहाँ पे दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर अंबुज कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा अंबुज कोई बात नहीं मैं हिंदी में बता तो रहा हूँ इन द गिवन डायग्राम यू हैव टू टेल दैट गैप्स इन द माइलिन शीत आर कॉल्ड वॉट माइलिन इन शीत क्या होती है माइलिन इन शीत को शॉन सेल्स बनाते हैं न्यूरोमोसाइड इंसुलेशन का काम करती है सोनाली थैंक यू सो मच सो आंसर बताओ चलो मुद्दे की बात पे आ जाओ चायश क्या है जी श्वेता कह रही है छा गए बल्ले बल्ले ग्रेट सुनील मेहरा यस मेहराज आर पंजाबी सुनील आई कैन अंडरस्टैंड पंजाब में आप किस जगह से हैं ये जरूर बताइएगा न्यूरॉन का ये सुंदर सा डायग्राम आपके सामने और उससे रिलेटेड कुछ बातें बताते हैं एक टिपिकल न्यूरॉन में ढेर सारी डेंड्राइट्स हो सकती हैं डेंड्राइट्स हैं सेल बॉडी है और एक लंबा सा एक्सटेंशन है जिसे हम एक्जॉन कह देते हैं हेलो राम ग्रेन्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेन्यूल आर

थर्सडे और फ्राइडे टी टी एफ ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे आप लोगों को मैं मिलता हूं एक बजे जुड़ जाना मेरे साथ यहां पे बायो की रणनीति के लिए तीन बजे भी जुड़ जाना और उसके बाद पांच बजे वन थ्री एंड फाइव ये मेरा शेड्यूल है सिंपल याद हो गया अब आप आपको नाउ माइलिन शीथ कौन बना रहे हैं शॉन सेल्स शॉन सेल्स जो होते हैं ना उन्हें न्यूरोलेमोसाइट्स भी कहा जाता है एडजस्टेंट शॉन सेल्स के बीच में गैप होता है दैट गैप इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रेनवियर सो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स को मेडुलेटेड न्यूरॉन्स भी कहते हैं इंपल्स ट्रैवल्स फास्टर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बिकॉज़ इट अपीयर्स टू जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवियर टू आपके सामने आइडेंटिफाइड दिच आर लेबल्ड एज वन टू थ्री एंड फोर इन दिवन फिगर ऑफ एक्सॉन टर्मिनल एंड एप्स दिस डायरी इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जामिनर इस डायग्राम पर आधारित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फ्रेम कर देते हैं एनसीआरटी से लिया गया आप जानते हैं साइनेप्स जंक्शनल रीजन बिटवीन टू सेल्स वन सेल में भी अन्यूरॉन और बूथ में भी न्यूरोन और बूथ में भी नॉन दो सेल्स के बीच में जो जंक्शन होता है उसे हम सन कहते हैं आज पांच बजे मैं इवोल्यूशन शुरू करने वाला हूं ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन तो सेम चैनल पे आकाश बाईजोज नीट यूट्यूब चैनल पे इवोल्यूशन पढ़ने के लिए भी आप मुझसे मिलेंगे फरहान कह रहे हैं हैप्पी दीपावली आप सबको ही हैप्पी दीपावली ढेर सारी शुभकामनाएं सो so, हमें बताना है टू और हमें बताना है थ्री और हमें बताना है वन वन टू थ्री एंड फोर फोर कहां है वो मुझे इसमें नजर क्यों नहीं आ रहा आपको फोर नजर आ रहा है ये मुझे ही नहीं नजर आ रहा कैन यू सी फोर इन दिस लेवल

This is bulb भी कह देते हैं उसको ठीक है उसके अंदर ये जो गोले गोले हैं दे आर वेसिकल्स और उनके अंदर भरा हुआ है न्यूरो कई तरह के न्यूरो हो सकते हैं एक था जो आप लोगों ने कॉमनली पढ़ा एसीटाइल कोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर पढ़ा है कई जगहों पर एसीटाइल कोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर होता है कई जगहों पर एसिटाइल कोलिन न्यूरो जो है वो इनहिबिटरी होता है एक्सोन की प्लाज्मा को क्या बोलते हैं न्यूरो है? के लिए रिसेप्टर ये जो आपको दिख रहे हैं, post रहे हैं. So, और post-synaptic मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होती है दैट स्पेस इज कॉल्ड एज सैनेप्टिक क्लेफ्ट इसी सेनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरो रिलीज होता है राइट right. जवाहरलाल ने कहा है सर इन केस ऑफ हार्ट एसिटाइल कोलिनिबिट्री बिल्कुल सही बात आपने कही है हार्ट की ऐसे नोड है उसको वेगस नर्व सप्लाई करती है ना ह्यूमन हार्ट तो माओजेनिक है अपने आप इम्पल्सिस जनरेट होती हैं वेगस नर्व जो ऐसे नोड को सप्लाई कर रही है वहाँ से एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है दैट डिक्रीज द हार्ट रेट लेकिन मसल्स के केस में देखें तो मसल्स के केस में एसिटाइल कोलिन एक्साइट कर रहा है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है कोई जो आ, न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी या इनिबिटरी है ये कई बातों पे डिपेंड करता है कि उसके रिसेप्टर्स किस तरह से उसपे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ठीक है राइट right? बढ़ूंगा दस सवाल कर लिए हमने ग्यारवा सवाल ओके ब्रेन द मोस्ट 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 कॉस्टली ऑर्गन इन द बॉडी आई वुड से बिकॉज इट कंज्यूम्स सो मच ऑफ एनर्जी

मिड ब्रेन में आ जाती है लोब्स एंड हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम है मेडुला है एंड पॉन्स है तो यहां पे पूछा गया है भैया एक क्या है दो क्या है तीन क्या है चार क्या और उनकी लेबलिंग सामने दी हुई है करेक्ट वन वन इज 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 सेरिब्रम एंड एंड टू टू पॉन्स पॉन्स फोर कॉर्पस कैलोसम थ्री सेरिबेलम तो कॉर्पस कैलोसम तो मुझे सही लग रहा है कॉर्पस कैलोसम इज अ बंडल ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स हार्ड बॉडी भी कहते हैं इसे कॉर्पस कैलोसम इज अ बंडल ऑफ माइलीनेटेड एग्जॉन्स कनेक्ट द टू सेरिब्रल इट सरिब्रलिस ऑफ द ब्रेन वट दाइड इज अ टिपिकल फीचर ऑफ मेमिलियन ब्रेन तो अब आपको याद हो गई ये चीज़ें ये है वो डायग्राम जो एक्चुअली एनसीईआरटी में दिया हुआ है फैजान बेटा और फैजान कह रहे हैं कि हम कितने खुश नसीब हैं जो ह्यूमन फिजियोलॉजी आपसे पढ़ रहे हैं अच्छा मैं भी खुशनसीब हूँ कि आप जैसे बेहतरीन स्टूडेंट्स हमें मिले हैं जो वाकई क्वालिटी एजुकेशन को अच्छी एजुकेशन को समझते हैं गुड सो so, राजा बेटा जी सेरिब्रल हेमिसफेयर कॉर्पस कैलोसम सेरिबेलम ये सारी चीजें द डायग्राम हैज डायरेक्टली टेकन एन सी ई आर टी सो डायग्राम को अच्छे से आप खुद भी बना के देखना कोशिश करना है ना ये आपको दिख रहा है ये हाइंड ब्रेन है जिसमें पॉन्स सैरुबेलम मेडुला है ये है स्पाइनल कॉर्ड, है हमारा सेरिब्रम ये दो हेमीस्फेर्स हैं और ये है कॉर्पस कैलोसम कॉर्पस कैलोसम का दूसरा नाम बताया मैंने क्या है इट इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ड बॉडी एक येलो बॉडी भी होती है वो कॉर्पस ल्यूटियम होता है कॉर्पस कॉर्पस बढ़ा कैलोसम हार्ड बॉडी कॉर्पस ल्यूटियम येलो बॉडी अच्छा बताओ कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ पे होता है कैन एनी वन टेल मी वेयर यू फाइंड कॉर्पस ल्यूटियम जल्दी से सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन कॉर्पस केलोसम इज सेरीबेलम ओवरी पवन ने मुस्कान ने सफा ने सही जवाब दिया कि सर कॉर्पस ल्यूटियम जो येलो बॉडी है वो ओवरी में होती है ओके okay? एक वाइट बॉडी भी होती है कॉर्पस एल्बिक रोशनी आगे बढ़े चलिए डायग्राम देखिए ध्यान से आइडेंटिफाई द द पार्ट्स आर एंड इन गिवन फिगर फिगर इस figure में जो लेबलिंग करी गई है ये बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन एक्शनियस इन वॉलेंट्री रिस्पॉन्स एक्टिंग रिसेप्टर बहुत सारे मीडिएट होते हैं है ना जैसे पटेला टेंडन पे आपने नॉक किया ऐसे घुटना सीधा हो जाता है या कोई पिन चुभो दे आपके हाथ में इमीडिएटली आप हाथ हटा लेते हैं विड्रॉल ऑफ हैंड और फुट ऑन बीइंग प्रिकड और व्हेन टचड बाय सम हॉट ऑब्जेक्ट विड्रॉल रिफ्लेक्स कहलाता है गौर से देखिए इस रिफ्लेक्स को और लेबलिंग बताइए स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे मैटर वाइट मैटर होता है स्पाइनल कॉर्ड का जब आप ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, तो का जो होता है, ये आपको बाहर व्हाइट मैटर दिख रहा है अब आपको ये भी बताने ये वन क्या है आपको ये भी बताने कि ये टू क्या है मसल स्पिंडल रिसेप्टर वहां से सेंसरी पाथवे जाएगा अप्रेंट या वहां से मोटर पाथवे जाएगा हाँ जी ए आंसर भी आ रहा है सी भी आ रहा है वेल सी, ये रहा डायग्राम आपके डायग्राम, आपके सामने। का कहीं और से तो नहीं है तो देख लीजिए कितने अच्छे से आपने पढ़ा है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये रहा ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड के बाहर की तरफ ये रहा वाइट मैटर वाइट मैटर इज फॉन्ड बाय माइलिन माइलिनेटेड एक्सॉन्स ग्रे मैटर में जो है वो मेनलीसल्स ग्रेन्यूल्स है राइबोन्यूक्लियो अब आपने देखा कि भाई ये मसल स्पिंडल जो कि एक रिसेप्टर है वहां से मैसेज अफरेंट पाथवे जिसको आप सेंसरी न्यूरॉन भी कह सकते हैं ये इसके थ्रू डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता हुआ गया ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड डॉर्सल रूट गैंग्लियन राइट और उसके बाद ये है जी मोटर न्यूरोन यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इफरेंट पाथवेज है ये मोटर एंड प्लेट है दिस इज मोटर एंड प्लेट और फिर ये रिस्पॉन्स आ जाएगी सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन है ये ओके सो द करेक्ट आंसर इज ए वन इज द पाथवे टू इज पाथवे थ्री इज व्हाइट मैटर एंड फोर इज ग्रे मैटर कितने बच्चों के अभी तक सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सही हुए हैं बता सकते हैं कितने बच्चों के अभी तक सारे क्वेश्चन सही हैं ये वाला क्वेश्चन का जो डायग्राम था पेज नंबर 322 एनसीईआरटी में से लिया गया श्वेता तुम्हारा सही था माइकल शर्मा कह रहे हैं कि 12 के 12 सही हैं वेरी गुड अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हैं और आप सच बोल रहे हैं ग्रेट सफा के भी हैं अंबुज के भी सही गए हैं श्वेता सोनाली ग्रेट रोशनी गुड चलो आगे बढ़ते हैं सेंस ऑर्गन में आपको आई पढ़ना है और ईयर पढ़ना है ये रहा जी ईयर ह्यूमन ईयर जो है इसका प्राइमरी फंक्शन जो होता है मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम सुनना जो है वो ईयर का सेकेंडरी फंक्शन है ईयर में एक्सटर्नल ईयर है मिडल ईयर है एंड इंटरनल ईयर है एक्सटर्नल ईयर में एक्सटर्नल ईयर में ये आता है दिस इज वट इज कॉल्ड एज द ईयर पिन्ना राइट उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पिन्ना इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स पिन्ना कलेक्ट्स द साउंड वेव्स एंड ट्रांसमिट्स देम टुवर्ड्स द टेम्पेनिक मेमब्रेन टेम्पेनिक मेमब्रेन जो है उसे कान का पर्दा भी बोल देते हैं पिन्ना जो है कार्टिलेज का बना हुआ है और uh, कुछ मैमल्स ऐसे हैं कैन मूव देयर ईयर पिन्ना इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड हाथी के भी इतने बड़े बड़े कान ऐसे हिला लेते हैं खरगोश या डॉग्स बहुत से जानवर अपने ईयर पिन्ना मूव कर सकते हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस ईयर पिन्ना इज रिलेटिवली इन बिकॉज द दरिक्यूलर मसल्स ऑफ द पिन्ना वेस्टिजियल अब इस डायग्राम में हमें क्या बताना था इस डायग्राम में हमें यह बताना है दैट डैश कनेक्ट्स द मिडल ईयर कैविटी विद द फैरिंग्स कैविटी ऑफ मिडल ईयर इज कॉल्ड टिम्पैनिक कैविटी इट इज कनेक्टेड टू फैरिंग्स बाय व्हाट बाय यूस्टेचियन ट्यूब बाय यूस्टेचियन ट्यूब फेरेंजो टिम्पैनिक ट्यूब भी कहते हैं उसे तो अब आप आइडेंटिफाई करो एक दो तीन चार कौन है भैया ये एक तो नहीं हो सकती बिकॉज एक क्या है ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है ये दो नहीं हो सकता बिकॉज ये टिम्पेनिक मेमब्रेन है ये चार भी नहीं हो सकता बिकॉज ये कॉकलिया है तो ये तीन ही होगा करेक्ट आंसर दिस इज द दूस्टैचियन ट्यूब यूस्ट्रैचियन ट्यूब नॉर्मली रिमेन्स क्लोज यूस्ट्रैचियन ट्यूब नॉर्मली रिमेन्स क्लोज बट इट ओपन्स ड्यूरिंग ंग जब आप खाना चबा रहे हैं, योनिंग जब आप उवासी ले रहे हैं स्नीजिंग जब आप छींक रहे हैं या जब बहुत ही अब्रप्ट चेंजेस इन ऑल्टीट्यूड बहुत ज्यादा ऊंचाई पे आप चले जाएँ तो यू स्टेचिंग ट्यूब खुलता है क्यों बिकॉज uh, सोनाली कह रही है कुछ लोग अपना एयर पिन्ना मूव कर लेते हैं हाँ सम पीपल बाई प्रैक्टिस कैन मूव देर एयर पिना सुनिए यूस्टैचियन ट्यूब बेसिकली इक्वलाइज़ेस द एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन टेम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स इन रिस्पॉन्स टू साउंड वेव्स टेम्पेनिक मेम्ब्रेन तभी फ्रीली वाइब्रेट करेगी अगर उसके दोनों तरफ हवा का दबाव जो है वो बराबर होगा तो इसीलिए ठीक है जी राइट right, मेरे बच्चे चलो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूस्टैचियन ट्यूब डायग्राम इंपॉर्टेंट है सो so, एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स आपकी टिप्स पर होने चाहिए अब अगला डायग्राम आता है राजकुमार जी कॉकलिया का कॉकलिया क्वाइल्ड शेल लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे इंटरनल ईयर का हिस्सा है उसका ट्रांसफर सेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है कॉकलिया के अंदर एक सेंट्रल कॉकलियर डक्ट होती है दैट सेंट्रल कॉकलियर डक्ट इज कॉल्ड एज काला मीडिया रूफ वाली मेम्ब्रेन को रिसनस मेमब्रेन कहते हैं स्काला मीडिया या कॉकलियर डक्ट के अंदर एंडोलिम्फ भरा हुआ होता है स्काला वेस्टिवलाई और स्काला ट्पेनी में पेरी लिम्फ भरा हुआ होता है सो so मैंने कितना सारा क्लू जो है आपको दे दिया है स्काला मीडिया का जो बेसिलर मेम्ब्रेन है इसी के ऊपर ऑर्गन ऑफ कोर होता है ऑर्गन so हो <laughs> बेटा पढ़ाते हुए भी तो लगभग पच्चीस साल होने वाले हैं है ना तुम्हारी तो उम्र भी नहीं है इतनी तो इसलिए चीजें तो याद हो ही जाएंगी आइडेंटिफाई थ्री एंड फोर ओके जी कौन कौन को आइडेंटिफाई है वन को क्या वन ऑर्गन ऑफ कोटाई है चलिए देखते हैं या वन टैक्टोरियल मेम्ब्रेन है नंबर टू क्या है क्या ये स्काला मीडिया है स्काला वेस्टिबुलाई है स्काला टेम्पेनी है नंबर थ्री क्या है ये कौन सी मेम्ब्रेन है और नंबर फोर क्या है आप लोगों ने आंसर डी दिया है चलिए जी आगे देख लेते हैं ये रहा एन का एक्चुअल डायग्राम जिसमें आप देख पा रहे हैं मैंने बताया था

सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन पहले तो ग्लैंड को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसका मेन फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक बताइएगा क्या फोर नंबर पे लेबल्ड पिट्यूट्री है और वो मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है पिट्यूटरी तो नहीं बनाती मेलाटोनिन पाइनियल बनाती है क्या नंबर टू पर लेबल्ड ग्रैंड थाइमस है और वो मेजर रोल प्ले करती है इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में थाइमस है या थारॉइड है ध्यान दीजिएगा क्या थ्री वाली लेबल्ड पाइनियल है और वो मेलाटोनिन से करती है या फिर वन वाली है और जो ग्लैंड है वो थाट करती है स्टेड हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन ना तो वन है और ना ही वो होता है हाँ जी तो क्या आंसर मिला है आपको वेल well, सारी एंडोक्रेन ग्लैंड की लोकेशन एनसीआरटी के हिसाब से देखते हैं क्या क्या थी पाइनियल ग्लैंड विच इज द बायोलॉजिकल क्लॉक इन द बॉडी एंड सीरो टौनिन. हाइपोथैल न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर विच रेगुलेट्स पिट्यूट्री ग्लैंड पिट्यूट्री अर्लीअर कॉल्ड एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड हाइपोफाइस भी कहते हैं पिट्यूट्री को सो so, ये वाली जो नेक रीजन में थायरय और पैराथायरॉयड है और जो दिल के पास है वो थाइमस है पैनक्रियाज आप जानते ही हेट्रोक्राइन ग्लैंड है एड्रीनल को सुप्रारीनल भी कहते हैं किडनी के ऊपर है उसके अलावा टेस्टिस और ओवरिज भी एंडोक्राइन ग्लैंड के की तरह काम करते हैं सो एनसीआर पेज नंबर 332 में से लिया गया ये क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन है that third वाली labeling pineal gland है दैट थर्ड वाली लेबलिंग ग्लैंड और वो मेलाटोनिन बनाती है मेलाटोनिन को ड्रेकुला हार्मोन भी कह देते हैं लेवल ऑफ मेलाटोनिन इज मोर ड्यूरिंग डार्कनेस लेवल ऑफ सीरोनिन इज मोर ड्यूरिंग दी लाइट फेज क्लियर है जी

क्या जो थ्री लेबलिंग है वो पार्स नर्वोसा है विथ स्टोर एंड रिलीज ऑक्सीटोसिन एंड्रेसिन ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन ऐसे न्यूरो हार्मोनस हैं जिनसे हाइपोथैलमस के न्यूरो neuro न्यूरोन्स बनाते हैं और वह यहां आकर के स्टोर होते हैं स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूट्री में पार्स डिस्टेलिस सिक्रीट ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसन पार्स नर्वोसा सिक्रीट ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन Neurohypophysis stores and releases oxytocin and vasopressin. Well. मास्टर ग्लैंड कहा जाता था पिट्यूटरी को पहले जब हमें नहीं पता था कि भाई ये हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेट होती है बट नाउ वी नो दैट पिट्यूटरी इट सेल्फ इज रेगुलेटेड बाई हाइपोथैलेमस तो अब कोई ऐसी ग्लैंड नहीं है जिसे आप मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कह सकते हैं क्योंकि हाइपोथैलेमस को खुद को कंट्रोल करने वाले बाकी पैरिफरल ग्लैंड के हॉर्मोन्स हैं एडीनो हाइपोफाइसिस वर्ड हम एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए यूज कर लेते हैं जिसमें कि दो पोर्शन आ जाते हैं एडीनो हाइपोफाइसिस में पार्स डिसटैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया हाइपोफाइसिस टर्म पोस्टीरियर पिट्यूट्री के लिए है जिसमें कि पार्स नर्वोसा है विच एंड रिलीजेस टू हार्मो ऑक्सीटोसिन एंड एक्चुअली सिंथिसमस एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड टू न्यूरोहाइपोफाइसिस सो टू जो आ जाएगा दैट विल बी हाइपोफाइसिस विच स्टोर्स एंड रिलीजिस ऑक्सीटोसिन एंड क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन 17 दिया गया है, में से. और का काम करने का तरीका सेम होता है और, को करते हैं और उनके रिसेप्टर या तो साइटोप्लाज्म में है या न्यूक्लियस में है प्रोटीनेशियस हारमोन एंड कैटेकोलॉमीन्स जो है वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते प्रोटीनेशियस हारमोन एंड कैटेकोलॉमीन्स के रिसेप्टर सेल में ही प्रेजेंट होते हैं ठीक है जी तो स्टेरॉइड हार्मोन जो हैं दे डायरेक्टली क्रॉस द प्लाज्मा सेगमेंट ऑफ डीएनए स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन तो अब आप देखिए किस हार्मोन के बारे में है? बच्चे कह रहे हैं वन इज मैसेंजर आरएनए एन टू इज न्यूक्लियस थ्री इज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फोर इज द हॉर्मोन यूट्राइन सेल मेमब्रेन दिखाया गया तो भाई हो सकता है ये प्रोजेस्टिंग हारमोन के बारे में ये बात कही गई हो ये लिपिड सोलेबल हार्मोन जो है यानी हार्मो के बारे में कहा गया है इनके रिसेप्टर इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन जो है दे आर स्लो इन देयर एक्शन बट देअ इफेक्ट लास्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एनसीआर टी के पेज नंबर थ्री फोर्टी वन में से लिया गया ये क्वेश्चन आंसर इज वन चलिए तो 17 क्वेश्चंस जो है हमने आज करे हैं जो प्राइमरी मैसेंजर है राइट वो तो मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में जेनेटिक्स में बता चुका हूं न्यूक्लियस जो बन के आता है एच एन आर एन ए होता है RN, उसका बाद में प्रोसेसिंग होता है यूकैरियोट्स के के उसमें आई एम श्योर आप सब लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है बायो की रणनीति का भी अलग से टेलीग्राम ग्रुप है वो भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा लाइक एंड शेयर जरूर करना आकाश बाईजूस की ये एंड्रॉयड ऐप अपने एंड्रॉइड फोन में या आईफोन में आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा बेटा बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स हैं इस एप के जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अनदर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू मैं और डॉक्टर रोहन जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं आप लोगों के साथ लाइव आ रहे हैं ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर यानी फ्राइडे को दोपहर बारह बजे आपकी जो भी मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं आप हमसे शेयर कर सकते हैं डॉक्टर रोहन उसके जवाब देंगे लाइव आपको सवाल आप लाइव भी पूछ सकते हैं या फिर आप देखिएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा वहां पे एक गूगल फॉर्म है उसे फिल कर दीजिए और अपना सवाल हमारे तक भेज दीजिए कल आपके सवाल जो है हम लाइव डिस्कस करेंगे आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन एनथे इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूर कर दीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा लिंक पे क्लिक कीजिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको कुछ भी पे नहीं करना है राइट जी सोनाली पूछिए आपकी क्लास कब है पांच बजे है पांच से छह मिलेंगे इवोल्यूशन की क्लास के लिए ये कंप्लीट टीम है आकाश बाइजूज की जो आपको गाइड कर रही है और एक इंपॉर्टेंट बात स्मार्ट प्लेलिस्ट फ्री नीट रिसोर्सेज मिशन एमबीबीएस 2023 एंड 204 के ऑल द यूट्यूब लेक्चर एनोटेटेड सेशन नोट जो है डेली प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन सब कुछ इसके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए एक लिंक नजर आएगा वहां पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा थैंक यू श्वेता थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल आप अपने दिल की बात भी हमसे शेयर कर सकते हैं कोई आपका फीडबैक है हमारे चैनल के प्रति स्टूडेंट सर्वे फॉर्म का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है यह हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा हर तरह के स्टडी मटेरियल के लिए आपको सेशन अच्छा लगा है लाइक जरूर कीजिए शेयर कीजिएगा मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर और आप से विदा लेता हूँ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नमस्कार बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल